मध्य प्रदेश के शिवपुरी की जनता का चुनावी मूड कैसा है, इसको भापने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि पहुंची और हिंट तो ले ही लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस समय आपको बता दें हमारी मौजूदगी शिवपुरी में है, संसदीय क्षेत्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वो लगातार प्रचार प्रसार यहाँ पर कर रहे हैं और किस तरीके की मजबूती महाराज की इस बार देखने को मिल रही है वो यहाँ के लोगों से हम हिंट जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या हिंट है आप लोग की तरफ से, क्या लग रहा है महाराज जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार ये सीट चली गई थी। आज महाराज जीतेंगे, क्या वजह? महाराज कार्य करते हैं, विकास कार्य में बहुत आगे है महाराज, इसलिए महाराज जीतेंगे। क्या लग रहा है सर, क्या हिंट है कि महाराज इस बार अपना झंडा बुलंद कर पाए? जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे क्यों, जो पूर्व सांसद रहे उन्होंने कुछ नहीं किया है और ये सिंधिया जी ने पहले जो काम भी किया और इस बार भी काम करेंगे। अभी तक जितने विकास कार्य हुए हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र में वो सिर्फ सिंधिया परिवार की देन है। पिछली बार कांग्रेस में थे तब हार गए थे, इस बार बीजेपी में है, क्या लग रहा है उसका डबल फायदा है? मोदी जी की लहर है, मोदी जी का विकास, उसी कारण सिंधिया जी को इस बार बहुत अच्छा भूमि में लगा। ये क्या हिंट है आप लोगों का, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? बिल्कुल महाराज साहब जीतेंगे इस बार, चाहे सड़क हो चाहे रेल मार्ग हो, यहाँ की जनता का हर दुख का साथ वो ही परिवार के मुखिया के तौर पर वो हमारा साथ देते हैं। महाराज मुलाकात हो पाती है कभी महाराज? अच्छे अच्छे कब, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, चाहे शिवप्रिया चाहे गुना चाहे दिल्ली चाहे ग्वालियर आए, मर्जी पर वो होती है। आप लोग बताइएगा क्या हिंट है आप लोग का, क्या लग रहा है युवा किधर जा रहा है इस बार, किसको वोट दे? ज्योतिराज सिंधिया जी। लोग क्या क्या काम अभी तक उन्होंने किया? बदरवास के लिए बहुत काम करा है, जैसे कि ट्रेन रोक, पहले ट्रेन रोकती नहीं थी यहाँ बड़ी बड़ी, अभी जो रतलाम इंटरसिटी है वो रोकने लगी यहाँ पे, और भी बड़ी बड़ी जो ट्रेन है वो यहाँ पे रोकने लगी, स्टेशन भी मतलब काफी शिवपुरी जिले जैसा स्टेशन करवा दिया बदरवास का। ये हिंट यहाँ की जनता जो है वो देती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि महाराज जो है वो अपनी प्रजा के बीच में रहते हैं, सुनते हैं, हर समस्याओं का निवारण करते हैं, हल करते हैं और इस बार जो है उन्हें भारी मतों से जिताना है।